आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैबलेट ड्यूरालास्ट 30 mg के बारे में। तो टैबलेट ड्यूरालास्ट 30 mg क्या है, इसका मेन कंटेंट क्या होता है, कौन सी कंडीशन में आपके डॉक्टर द्वारा ये आपको लिख के दिया जाता है, ये कौन कौन सी डोजेज में मार्केट में अवेलेबल हैं, किस तरीके से ये टैबलेट काम करता है, किस तरह से डॉक्टर ये मेडिसिन आपको लेने को बोलते हैं, इसको लेने के बाद आपको क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मार्केट में इसके सब्स्टिट्यूट क्या क्या अवेलेबल हैं, इसकी कीमत कितनी है, कहां से आप इसको ख़रीद सकते हैं, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेंकटेश एच पुजार और मैं हूँ डॉक्टर वेंकटेश एच पुजार। आइए आज की चर्चा को शुरू करते हैं। टैबलेट ड्यूरालास्ट 30 mg, देखिए इसका मेन कंटेंट होता है डेपॉक्सिटिन, और ये कौन से क्लास ऑफ ड्रग्स को बिलोंग करता है उसको बोलते हैं SSRI, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। टैबलेट ड्यूरालास्ट 30 mg देखिए आपको यूज़ किया जाता है जब मर्दों को प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या रहती है, उसको ठीक करने के लिए इसको लिख के दिया जाता है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, देखिए मैं इसको अगर सामान्य भाषा में समझाऊं, आपका जो वीर्य होता है उसका शीघ्र पतन हो जाना, या आपका वीर्य जो रहता है स्पर्म उसका जल्दी से झड़ जाना। प्री मैच्योर इजैकुलेशन देखिए मर्दों में होने वाली बहुत ही कॉमन समस्या है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जब देखिए यदि आपका सेक्स करने का मन है लेकिन जब आपकी पार्टनर आपके सामने आती है तो उसको देख के ही आपका इजैकुलेट हो जाता है, झड़ जाता है, या जब आप सेक्स कर रहे हैं तो एक मिनट के अंदर ही आपका इजैकुलेट हो जाता है, झड़ जाता है, जिससे तो क्या होता है आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, ना तो आपके पार्टनर को सेटिस्फाई करते हैं और आपका मूड भी ख़राब हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं प्री मैच्योर इजैकुलेशन के कारण क्या होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए ऐसा इसलिए होता है जब आपके शरीर में कोई हार्मोनल का इम्बैलेंस हो जाता है उस वजह से ऐसा होता है, या फिर आपके ब्रेन में जो केमिकल्स हैं उसका अबनॉर्मल लेवल्स हो जाता है, या फिर आपको कोई लोकल इन्फेक्शन हुआ रहता है आपके सेक्सुअल ऑर्गन में जिस वजह से आपको ये समस्या होती है। तो देखिए टैबलेट ड्यूरालास्ट जो है ये दो डोसेस में अवेलेबल है। ड्यूरालास्ट 30 mg भी एक गोली आती है और ड्यूरालास्ट 60 mg की भी एक गोली आती है। तो आइए अब हम बात करते हैं टैबलेट ड्यूरालास्ट जो है ये काम किस तरीके से करता है, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था ड्यूरालास्ट के अंदर कंटेंट रहता है डेपॉक्सिटिन, तो ये क्या काम करता है, आपका इजैकुलेशन जो होता है, स्पर्म का रिलीज होता है, सेमिन का रिलीज जो होता है उसको कम करता है। कैसे, ये आपके ब्रेन में जो केमिकल्स रहते हैं उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। वो केमिकल कौन सा है, सेरोटोनिन लेवल को आपके ब्रेन में बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या होता है इजैकुलेशन नहीं हो पाता है, आपके स्पर्म्स को ये होल्ड कर देता है ताकि लंबे टाइम तक वो स्पर्म जल्दी से झड़े ना, गिरे ना। आइए अब हम बात करते हैं ड्यूरालास्ट 30 mg जो है कौन कौन सी कंडीशंस में आपके डॉक्टर द्वारा आपको लिख के दिया जाता है। तो देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, यदि आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्या है, आपका जो वीर्य है बहुत जल्दी झड़ जाता है, इजैकुलेट हो जाता है, और ये अडल्ट पुरुषों में जिनकी आयु 18 बरस से लेकर 64 बरस तक की रहती है उनके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है, जिनकी आयु 18 से नीचे है उनके यूज़ के लिए ये गोली नहीं है। पहले जो है ये ड्यूरालास्ट टैबलेट जो है एस एंटी डिप्रेसेंट इसको यूज़ किया जाता था, लेकिन अब एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ रिसर्चेस के में ये पता लगा कि ये प्री मैच्योर एजैकुलेशन जो है उसमें अच्छी तरीके से काम कर रही है, तब से इसको प्री मैच्योर एजुकुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं ड्यूरालास्ट 30 mg के डोसेज के बारे में कि किस हिसाब से डॉक्टर इसको आपको लेने की सलाह देते हैं। तो देखिए यहाँ मैं अडल्ट डोसेज के बारे में बात करने वाला हूँ जिनकी आयु 18 बरस से ज़्यादा है।
तो देखिए, आप इस गोली को खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, जब आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने के 1 से 3 घंटे पहले इस गोली को लेना रहता है। मतलब अभी आप सेक्स करने का मूड बना रहे हैं तो उससे 1 से 3 घंटे पहले इसका सेवन करना है, और 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर ही ये गोली अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। इस गोली को लेने के बाद आपको एक पूरा ग्लास पानी पीने का रहता है। इस गोली को 24 घंटे में एक ही बार लेना रहता है, मतलब दिन में एक ही गोली खाने को रहती है, और महीने में आप इसको 3 से 4 बार खा सकते हैं। डेली इसका उपयोग नहीं करना है, नहीं तो ये आगे आपको काम करना बंद कर देती है। जब आप इस गोली का सेवन करते हैं तो ये इसका असर आपको 1 से 3 घंटे में देखने को मिलता है, और 24 घंटे तक इसका असर आपके शरीर में रह सकता है, या फिर आपके डॉक्टर आपको जिस हिसाब से इसको सेवन करने को बोल रहे हैं उस हिसाब से भी आप इसको ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इस गोली से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि इस गोली को लेने के बाद आपको क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहला देखिए, आपको बहुत ज़्यादा चक्कर आना शुरू हो जाता है, बहुत सर दर्द चालू हो जाता है, आप बहुत इरिटेटेड फील करते हैं, आपको अनचाहे सपने आने लगते हैं, मतलब बुरे बुरे सपने आने लगते हैं, और आपको एकदम बॉडी में नंबनेस की तरह लगता है कि बॉडी सुंद हो गई है, या फिर बॉडी का कोई पार्ट बिल्कुल सुंद हो गया है। आंखों के आगे धुंधला धुंधला होने जैसा लगता है, आपकी नाकें बंद हो जाती हैं, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द चालू हो जाता है, आपको दस्त लग सकता है, या फिर आपको मलबद्धता की समस्या हो सकती है, आपका बीपी जो है एकदम से बढ़ सकता है, और कुछ केसेस में क्या होता है उल्टा होता है, बीपी आपका एकदम से नीचे गिर सकता है, एकदम सर में चक्कर चक्कर जैसी सेंसेशन लगती है, आपको एकदम से नींद आ जाती है, ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट है, और आपका जो मूड है मूड में बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग जाते हैं, और कभी कभी सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं जो लोग इसका सेवन करते हैं। तो ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट। अब हम जानते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, कि किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, जिन पेशेंट्स को या फिर जिन लोगों को ऑलरेडी लो बीपी की समस्या है, जिनका बीपी ऑलरेडी कम रहता है, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को पहले से ही ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, मतलब शरीर में कहीं रक्तस्राव होता है ऑलरेडी, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स है, मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों को कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं है, उनको इनका सेवन नहीं करना है। खाली टाइम पास के लिए गोली खा ली, ऐसा नहीं करना है। जब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आपको इसका सेवन नहीं करना है। जिन लोगों को किडनी संबंधित कोई रोग है, उनको इसका सेवन नहीं करना है। जिन लोगों को लीवर संबंधित कोई रोग है, उनको इसका सेवन नहीं करना है। जिन लोगों को हार्ट संबंधित, हृदय संबंधित कोई रोग है, उनको इसका सेवन नहीं करना है। इस दवा को लेने के बाद में आप लोगों को अल्कोहल, शराब का सेवन नहीं करना है। इस दवा को लेने के बाद गाड़ी वगैरह नहीं चलानी है, कोई भी मशीनरी काम नहीं करना है। यदि आपको लगता है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आप पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है, इमीडिएटली आपके डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए और उनसे जल्द से जल्द मिलिए। आइए अब हम जानते हैं इस मेडिसिन के सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो देखिए, सब्स्टिट्यूट क्या होता है, ये ड्यूरालास्ट जो है ये है एक ब्रांड है, इसका जो मैंने कंटेंट बताया था आपको डेपोक्सिटिन, तो सेम डेपोक्सिटिन कंटेंट वाले ही अलग अलग फार्मेसियाँ अपना मेडिसिन रेडी करती है। कुछ अलग ब्रांड्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिनमें कंटेंट डेपोक्सिटिन ही रहता है, तो वो है लॉन्ग ड्राइव टैबलेट, फन टाइम टैबलेट, इसमें भी कंटेंट डेपोक्सिटिन ही रहता है। आइए अब हम जान लेते हैं ड्यूरालास्ट 30 mg 60 mg का कितना मूल्य होने वाला है मार्केट में। तो देखिए, ड्यूरालास्ट 30 mg 30 mg की जो है टैबलेट, 4 गोलियों का एक स्ट्रिप आता है, और वो आपको 199 रुपये में पड़ता है, 199 रुपीज़ में पड़ता है। और जो ड्यूरालास्ट 60 mg की गोलियां हैं, वो भी 4 गोलियों का एक स्ट्रिप रहता है, वो आपको 160 रुपये में पड़ जाती हैं, 160 रुपीज़ में 4 गोलियां आती हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। तो देखिए, यदि आपके पास आपके डॉक्टर द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन है, आप इसको आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर या फिर किसी भी जनरल फार्मेसी में आसानी से पा सकते हैं। तो
आशा करता हूँ ड्यूरालास 30mg 60mg के बारे में जितनी भी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि आप आगे भी इसी तरह के मेडिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो जो लाल बटन आपको दिख रहा है उसको आप दबा दें, उससे हमारी आगे आने वाली सारी वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें या फिर जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं, कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के कंसल्टेशन के बगैर नहीं लेनी है, मेडिसिन हमेशा डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेनी है। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई गई है। तो मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।